Welcome to Abhipedia students, myself Dr. Dharminder, and today I am going to discuss another very important topic from basic concept of ecology, that is National Biodiversity Act. In past few years, UPSC asked around 2 and 3 question upon National Biodiversity Act. Now, I will try to discuss in a such a way that you are able to cover relevant prelim topics from UPSC perspective, right? Okay. Now, first of all, as you know, CBD, Convention on Biodiversity, okay, सबसे पहले Convention on Biodiversity हुई 1992 के अंदर एक अर्थ समिट होता है, जो थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड ट्रेस कर रहा हूँ. उसके अंदर 3 बॉडीज बनती है, वन वॉज UNFCCC, राइट, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, राइट, देन अनदर बॉडी वॉज CBD, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, अनदर वन UNCCD, डेजर्टिफिकेशन के ऊपर, टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन. नो CBD टॉक्ड अबाउट बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन ऑन दिस बेसिस. तो इसी के चलते ही इंडिया ने नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट को बनाया, राइट. सो 2002 के अंदर नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट आ गया इंडिया का, ठीक है. सो ये थोड़ी सी अगर आपको एग्जाम के अंदर अगर ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है कि दैट द फॉर्मेशन और वी कैन से द एनेक्टमेंट ऑफ NBA वॉज बेसिकली बेस्ड ऑन CBD, दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. ओके, तो अब थोड़ा सा ट्रेस करता हूँ मैं प्रीलिम परस्पेक्टिव. नो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपने देखा होगा लास्ट ईयर भी UPSC ने बहुत सारे एनवायरमेंट इकोलॉजी के अंदर एक्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछे, तो आज भी मैं इसलिए एक एक्ट को डिस्कस कर रहा हूँ, राइट. नो नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट के अंदर फर्स्ट इज पर्पस क्या है, द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, राइट. तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड देन फेयर एंड इक्विटेबल. मतलब अगर कोई आप बायोडाइवर्सिटी होता क्या है, डिफरेंट, राइट, डाइवर्स कोई भी चीज़ है. इट कैन बी एट जेनेटिक लेवल, इट कैन बी एट स्पीसीज लेवल, एट इकोसिस्टम लेवल एज वेल. ओके, नाउ द थिंग इज के इसके अंदर 3 बॉडीज बनी, तीनों स्टेट्यूटरी बॉडीज होंगी, राइट. वन वॉज ऑन नेशनल लेवल, अनदर वॉज ऑन स्टेट लेवल एंड देन एट लोकल लेवल. 3 लेवल के ऊपर उन्होंने बॉडीज बना दी, राइट. एट नेशनल लेवल इट वॉज नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी. स्टेट के ऊपर स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, राइट. देन एट लोकल लेवल बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटीज. तो इसके ऊपर भी एक बार UPSC ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसके ऊपर भी है. ऑल 3 आर स्टैट्यूटरी बॉडी, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, देन स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड एंड देन बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटीज, राइट. सिमिलरली अब देखो तीनों लेवल के ऊपर बॉडीज बन गई. नो दे विल टैकल और दे विल ट्राई टू सॉल्व द वेरियस प्रॉब्लम और इश्यूज रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी. एट द सेम टाइम दे ऑल्सो नीड फंड. तो फंड के लिए भी उन्होंने क्या किया, एट सेंट्रल लेवल नेशनल इन्होंने बना दिया नेशनल बायोडाइवर्सिटी फंड, देन स्टेट बायोडाइवर्सिटी फंड स्टेट लेवल के ऊपर, देन लोकल बायोडाइवर्सिटी फंड लोकल लेवल. तीनों लेवल के ऊपर अलग अलग फंड बना दिए, ठीक है. अब इसको थोड़ा ट्रेस करेंगे, क्वालिफिकेशन क्या है इनकी, या क्वालिफिकेशन नहीं मतलब कौन अपॉइंट करते हैं इनको, कौन नहीं करता. फर्स्ट थिंग इज ऑल 3 आर स्टैट्यूटरी बॉडीज. अगर ऐसा क्वेश्चन आता है यू शुड नो, राइट. ओके, देन तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी. नो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी टाइप ऑफ क्वेश्चन, पहले वो पूछेगा कि इसका चेयरमैन कौन है. वेदर आ मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट इज अ चेयरमैन ऑफ नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. एनी एमिनेंट पर्सन विद एडिक्वेट नॉलेज कैन बिकम अ चेयरपर्सन ऑफ नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी. तो आपने सिर्फ इतना याद रखना मिनिस्टर है नहीं है, दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. अपॉइंट कौन करेगा, नेचुरली एट नेशनल लेवल है तो अपॉइंट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, देन अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल दोनों काम करेगा इसका अपना सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट. देन एक्सपेंसेस कहाँ से आएंगे, एक्सपेंसेस इसके आएंगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. तो ये सारी प्रोविजन उन्होंने एक्ट के अंदर लिखी हुई है. देन अब देखो फंड आ गया,
अब रिपोर्ट भी ये कोई सबमिट करेगा, किसको करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को, राइट? नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग, ये तो चलो बेसिक आपको नोट होना चाहिए टू द पॉइंट, इम्पॉर्टेंट थिंग के फंक्शन, द फंक्शन ऑफ नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, फर्स्ट इज वी कैन से द अप्रूवल ऑफ एनबीआई इज नीडेड इन फ्यू केसेस. यहां पे एक क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ है. वन इज बायोलॉजिकल सोर्सेज, मान लो एक फॉरेन से आता है इंडिया के अंदर, बायोलॉजिकल सोर्सेज को एक्सेस मांगता है, राइट? अब उस एक्सेस के लिए ही नीड अ परमिशन ऑफ नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, अदरवाइज नहीं, ऐसे तो कोई भी आएगा और ले जाएगा, है ना. सेकेंड थिंग इज के इंडियन, अगर इंडिया का बंदा कोई है वो भी फॉरेन से नॉलेज शेयर करना चाहता है, राइट, इवन दैट केस ही नीड अ परमिशन ऑफ नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी. थर्ड, अप्लाई फॉर IPR ऑन अ सर्च, राइट, ऑन बायोलॉजिकल सोर्सेज, कोई भी बायोलॉजिकल सोर्सेज, उसके लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के लिए कोई किसी ने अप्लाई किया. नाउ द थिंग इज यहाँ पे, नो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यही पॉइंट था यूपीएससी के अंदर आया हुआ कि IPR के लिए कोई अप्लाई करेगा ही नीड अ परमिशन ऑफ NBA, अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेव आवर ट्रेडिशनल नॉलेज. मान लो कोई भी फॉरन से आया, उसने कोई रिसोर्सेज देखा, ठीक है, कोई नॉलेज थी, उसके लिए IPR के लिए अप्लाई कर दिया, वो कहता है मेरी है, लेकिन वो तो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है, तो उसको तो बचाना पड़ेगा. फॉर दैट हमने क्या बनाया? NBA. अब NBA चेक करेगा, कोई अगर IPR के लिए अप्लाई करता है कि क्या वो ट्रेडिशनल नॉलेज के अंदर आती है, अगर नहीं है तो परमिशन मिल सकती है, अदरवाइज वो डिनाई कर देगा. ओके, देन ऑन द सिमिलर पैटर्न स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, फर्स्ट थिंग चेयरमैन कौन, जैसे मैंने NBA का बताया, सिमिलर एमिनेंट पर्सन, राइट, तो इसको स्टेट अपॉइंट करेगी. अपॉइंटमेंट रिमूवल NBA का कौन करता है? सेंटर, इसका करेगी स्टेट. एक्सपेंसेस, उसके एक्सपेंसेस कहां से आते थे? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसके कहां से आएंगे? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, ऑन सिमिलर पैटर्न. एनुअल रिपोर्ट NBA देता था सेंटर को, ये देगा स्टेट को. फंक्शन क्या है इसका? NBA का फंक्शन हमने देख लिया तीन केसेस के अंदर अप्रूवल. स्टेट का फंक्शन क्या है? एक तो स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइज करेगा ऑन द फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, राइट. देन सेकेंड थिंग इज रेगुलेट कमर्शियल यूज, कमर्शियल यूज को रेगुलेट करेगा. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेगुलेट कमर्शियल यूज बाय इंडियन, कि इंडिया हम कौन कौन सी बायोडाइवर्सिटी के पार्ट को हम कमर्शियली यूज कर सकते हैं, बट एक्सेप्ट टू कंडीशन. नाउ दीज टू कंडीशन आर वेरी इंपॉर्टेंट. वन इज वेद हकीम प्रैक्टिसिंग इंडियन, राइट, वी कैन से मेडिसिनल सिस्टम, जो इंडियन मेडिसिनल सिस्टम वेद हकीम बहुत सारा अप्लाई करते हैं, उसको कमर्शियलाइज नहीं कर सकते. स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड कैन नॉट कमर्शियलाइज दैट पर्टिकुलर थिंग. सेकेंड थिंग इज लोकल पीपल, राइट. अगर लोकल पीपल कोई भी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं फॉर देयर लाइवलीहुड, उसको आप कमर्शियलाइज नहीं कर सकते, ठीक है. नो दीज टू कंडीशन आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम यूपीएससी परस्पेक्टिव. ओके, देन अगर मान लो कोई केस NBA SBB के अंदर कोई भी कंफ्लिक्ट हो गया है ना, इशू आ गया, वी कैन से डिस्प्यूट. अब डिस्प्यूट को सॉल्व करेंगे, ठीक है, और अपील कहां पे होगी? अपील हाई कोर्ट के अंदर हो सकती है, ठीक है. ओके, देन बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटीज. नाउ बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी ये कहां पे होगी? लोकल लेवल के ऊपर, ठीक है. बट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आगे अभी डिस्कस करूंगा 2 मिनट के अंदर, यहां पे पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर एक एस्टेब्लिश करना है. पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, ठीक है. बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी एक पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर एस्टेब्लिश करेगी, जिसके अंदर सारी लोकल बायोडाइवर्सिटी के बारे में नॉलेज होगी. अब इस नॉलेज को, है ना, कौन यूज करेगा? NBA. कि मान लो फॉरन से या कहीं से किसी ने IPR अप्लाई करना है, वो यहाँ से चेक करेगी ट्रेडिशनल नॉलेज के अंदर कि क्या वो ट्रेडिशनल नॉलेज है, अगर है तो इसको डिनाई करेगी, अगर नहीं है तो IPR के लिए परमिशन मिल जाएगी. नो दिस इज द कंसेप्ट. बट इंडिया के अंदर अभी इशू क्या हुआ है कि पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर बहुत सारी जगह पे बना ही नहीं है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन अभी आपने ये भी करंट अफेयर के अंदर पढ़ते होंगे कि बहुत सारी हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज इन संस्कृत, उसको इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट कर रहे हैं. हम किस लिए कर रहे हैं? फॉर द एक्सेस, के वर्ल्ड को पता चले हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज, एज वेल एज NBA कैन ऑल्सो गेट अ एक्सेस ऑन दैट, राइट.
ओके नाउ द थिंग इज फंड सिमिलर है, इजी। नेशनल लेवल के ऊपर क्या बना था, मैंने बोला था नेशनल बायोडाइवर्सिटी फंड, राइट। सिमिलरली एट स्टेट लेवल, स्टेट बायोडाइवर्सिटी फंड, एंड देन लोकल लेवल, लोकल लेवल इज लोकल बायोडाइवर्सिटी फंड। नाउ द थिंग इज कि अगर मैं बोलूँ सेंटर, तो उसके लिए बहुत सारे फी, फाइन्स, ग्रांट्स या लोन जितने भी सेंटर के पास आ रहे हैं उस फंड के लिए, वो उसको यूज़ करता है। स्टेट के लिए भी फीस, फाइन, फंड वगैरह जितने भी स्टेट के पास आए तो उन स्टेट बायोडाइवर्सिटी फंड के अंदर जाएंगे, ठीक है। देन लोन, अगर उसने NBA से लोन लिया वो भी उसके अंदर चला जाएगा। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि लोकल बायोडाइवर्सिटी फंड, लोकल बायोडाइवर्सिटी फंड अपने आप इतना कलेक्ट नहीं करेगा, वो बेसिकली डिपेंड अपॉन स्टेट कि स्टेट गवर्नमेंट दे, कि स्टेट गवर्नमेंट उसको फंड दे, ओनली देन दे कैन वर्क, राइट। सो यहाँ पे एक इशू है, ये UPSC के अंदर भी क्वेश्चन आया हुआ है, मेंस के अंदर। बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पीपल्स रजिस्टर, बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, राइट। बट फॉर द फंड दे डिपेंड अपॉन स्टेट गवर्नमेंट, स्पेसिफिकली स्टेट गवर्नमेंट। नाउ द इशू इज कि स्टेट गवर्नमेंट इसको बनाते नहीं है। क्यों नहीं बनाते, भी पैसा देना पड़ेगा, सो इसलिए उसको बनाते नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट वी कैन से नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो जितने भी इम्पॉर्टेंट इश्यूज और जितने भी इम्पॉर्टेंट आई कैन से वी द इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट यू शुड नो बिफोर प्रीलिम, वो सारी मैंने डिस्कस कर दी। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक करो, शेयर करो, और भी अगर कोई वीडियो बनानी तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर आप लिख सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।